बूम बूम बुमराह इज द बेस्ट फास्ट बॉलर, बेस्ट सीमर इन द वर्ल्ड नॉवेडेज विदाउट एनी डाउट अक्रॉस द फॉर्मेट. जब आपको जरूरत पड़ती है, आपकी टीम नीचे की तरफ जाती है, आपको बुमराह विकेट लेके देता है. आपका शाहीन जो है ऐसे 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 साइन बनाना उसको आता है, टीम के लिए नहीं आता. लग पता गया है ये जो मेहदी हसन हमारे लिए शेनवॉन बना हुआ था पाकिस्तान में, वो किधर गया? शेनवॉन कहां गई उसकी बॉलिंग? इतना आसान नहीं होगा बांग्लादेश के लिए कि आप किस तरह टैकल करें हम इनको. मैं इसलिए बार बार बोलता हूं भाई, अपनी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग तगड़ी करें और स्पिनर तगड़े लेके आए. बूम बूम बुमराह, बिल्कुल ये बुमराह बूम बूम कहने के लायक है क्योंकि जो ये परफॉर्मेंसेस कर रहा है. अब आप देखिए अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेगा क्योंकि उसका मुकाबला ही नहीं है ना. इतना बड़ा बॉलर ऐसे छोटे मैचेस में खेलता अच्छा भी नहीं लगता होता. वो आया, उसने विकेट्स निकाल ली, उसका खौफ आप देखिए सामने वाली टीम पे कैसे था कि एक शॉर्ट बॉल एक यॉर्कर, एक शॉर्ट बॉल एक यॉर्कर. ये है खासियत बुमराह की. इंडिया ने आज कमाल कर दिखाया है. इंडिया से जिस तरह की कारकर्दगी की उम्मीद थी, इंडिया ने आज बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म किया है. बांग्लादेश को 149 पर ऑल आउट कर दिया. ये वही बांग्लादेश टीम है जो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को वाइट वॉश करके गई थी और इन्होंने इंडिया जाके ये तसव्वुर किया था कि इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड पे जाके हरा के आएंगे. लेकिन आज इंडिया के सामने बांग्लादेश बेबस नजर आया. किधर गया वो शांतु? हम इंडिया को भी पेल लेंगे बेटा, तू तो पेल गया. ऐसा ठोका है कि पूरे टेस्ट मैच में भी नहीं बाहर निकल पाओगे. नहीं, इतना कोई किसी को ठोकता? मुझे बता दो आप लोग. तो भाई हम समझे थे कि बांग्लादेश की टीम जो है वो काफी ज्यादा तगड़ी हो चुकी है, पाकिस्तान को वन साइडेड व्हाइट वॉश कर दिया उनके होम ग्राउंड पर. लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बांग्लादेश की टीम तगड़ी नहीं हुई, पाकिस्तान की टीम नली है. ये तो भाई यहाँ पर ये 11 बंदे मिलके सिर्फ अश्विन के ही रन नहीं बना पा रहे. गजब बेइज्जती है भाई. बुमराह ने कब्रिस्तान बना दिया चिनाई के स्टेडियम को. देखे आपने जिस तरह शादमान इस्लाम को पहले खोद के दफनाया, उसके बाद जितने भी उनके बैटर्स आते गए लाइन लाइन में दफनाते गए. आप क्या बात, ये बात है, मजा आया. जय हिंद दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है. दोस्तों आज जसप्रीत बुमराह ने बांग्लादेशी क्रिकेटरों को रोने पे मजबूर किया. दोस्तों आज जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर और बाउंसर के आगे सभी बांग्लादेशियों ने घुटने टेक दी. दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने पूरी दुनिया को साबित करके दिखाया कि जसप्रीत बुमराह दुनिया क्रिकेट का क्यों नंबर वन गेंदबाज है. चलिए दोस्तों बुमराह की शानदार गेंदबाजी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है जानते हैं. बूम बूम बुमराह, बिल्कुल ये बुमराह बूम बूम कहने के लायक है क्योंकि जो ये परफॉर्मेंसेस कर रहा है. अब आप देखिए अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेगा क्योंकि उसका मुकाबला ही नहीं है ना. इतना बड़ा बॉलर ऐसे छोटे मैचेस में खेलता अच्छा भी नहीं लगता होता. वो आया, उसने विकेट्स निकाल ली, उसका खौफ आप देखिए सामने वाली टीम पे कैसे था कि डरे हुए थे. साफ दिख रहा था बांग्लादेश के जितने भी खिलाड़ी हैं डरे हुए हैं. कोई एक भी पाकिस्तानी बॉलर ऐसा था जिससे ये बांग्लादेश के खिलाड़ी डरे हो? शाहीन को भी पेल रहे थे, नसीम को भी पेल रहे थे. कोई एक पाकिस्तानी बॉलर ऐसा नहीं था जिससे बांग्लादेश के खिलाड़ी डरे हो. ओ हमें तो जाकिर अली ने बड़ा मारा था स्टार्टिंग के, जो उनका ओपनर है, और आज देखो कैसे उसकी किलियां उड़ी थी. ये चीजें मैटर करती होती हैं, ये बहुत मैटर करती होती है कि जब बुमराह बॉलिंग करने आ रहा है तो उनके डोंटे खड़े हुए हैं, वो डर के मारे जिसको कहते हैं ना खेल नहीं उसको पा रहे. इवन बुमराह के डर से वो सिराज के खिलाफ भी आउट हो रहे हैं, काशदीप के खिलाफ भी आउट हो रहे हैं. और सबको छोड़ दो, इस बंदे को जिसको कहते हैं ना सुनहरी अल्फाजों में इसका जिसको कहते हैं ना नाम लिखा जाएगा. क्या आउटस्टैंडिंग किस्म का बॉलर भारत को मिल गया हुआ है, अनबिलीवेबल. इतना शानदार बॉलर है, मतलब क्या आप ये देखो कि उसको पता होता है कि मैंने टेल को कहां पे बॉलिंग करनी है. आपने इसकी खासियत देखी है, जब जो खेल रहे होते हैं ना टॉप ऑर्डर के प्लेयर, उनको ये लगता है लेंथ के ऊपर कि लेंथ पे उनको खेलने की मुश्किल हो. उसकी जिसको कहते हैं ना लेंथ बड़ी परफेक्ट होती है और लाइन भी बड़ी अच्छी होती है. लेकिन जब जैसे ही टेल आती है ये जाता है यॉर्कर्स के ऊपर. एक शॉर्ट बॉल एक यॉर्कर, एक शॉर्ट बॉल एक यॉर्कर. ये है खासियत बुमराह की. तो इसलिए मैं कहता हूं कि ना ऐसे बुमराह देखो, बुमराह कहते हैं कि ना मैंने वसीम वकार को बहुत देखा हुआ है. उसने सही देखा हुआ है, हमारे निकम्मे बॉलर्स ने तो वसीम वकार से कुछ सीखा नहीं. वो दूर के लड़के ने वसीम वकार को देख के एक चीज सीख ली कि टेल को हमेशा यॉर्कर और बाउंसर दो, यॉर्कर और बाउंसर दो. उसने इसको चीज को फॉलो किया. देखिए आपको ये मानना पड़ेगा कि जिसको कहते हैं ना बुमराह वो बॉलर है जिसका शुमार मैं समझता हूं कि फ्यूचर के अंदर का मैं देख. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. दोस्तों आपने इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा. पाकिस्तान में बैठे हर एक इस वक्त लाइव टीवी चैनल में बैठकर जसप्रीत बुमराह की खुलकर तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं. क्योंकि दोस्तों आज जसप्रीत बुमराह ने बांग्लादेशी क्रिकेटरों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है. जसप्रीत बुमराह के बाउंसर और यॉर्कर के आगे बांग्लादेशी क्रिकेटर की एक भी नहीं चली. दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं. अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा. अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी. तब तक जय हिंद और भारत माता की जय.